नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस की जिनकी अक्सर आपको जरूरत पड़ जाती है। जैसे आपने सुना होगा, डेली आप इस टाइप के सेंटेंस का यूज करते हैं, जब बोलने की बारी आती है तो वो हकलाने लगता है, जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो वो रोने लगता है, जब खेलने की बारी आती है तो वो भागने लगता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जब पैसे देने की बारी आती है तो वह भागने लगता है, इसकी इंग्लिश होगी व्हेन इट कम्स टू रिटर्निंग मनी ही स्टार्ट्स रनिंग। हमारा अगला सेंटेंस है, जब खेलने की बारी आने लगती है तो वह रोने लगता है, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग ही स्टार्ट्स क्राइंग। जब बोलने की बारी आती है तो वो हकलाने लगता है, इसकी इंग्लिश होगी व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ही स्टार्ट्स स्टैमरिंग। स्टैमर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हकलाना। जब मेहनत करने की बारी आने लगती है तो वो पीछे हटने लगता है, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग हार्ड और व्हेन इट कम्स टू टॉयलिंग ही स्टार्ट्स बैकिंग आउट। बैक आउट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पीछे हटना। जब गाना गाने की बारी आने लगती है तो वो शर्माने लगता है, व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग ही स्टार्ट्स ब्लशिंग। ब्लश का मतलब होता है शर्माना। जब काम करने की बारी आने लगती है तो वो काम से जी चुराने लगता है, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ही स्टार्ट्स शर्किंग वर्क। शर्क मतलब होता है जी चुराना, किसी काम से भी जी चुराना। तो दोस्तों, इसी टाइप से एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के लिए भी है, जब पढ़ने की बारी आती है तो वह सोने लगता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंग्लिश का ये जो नॉलेज है ये पहुँच पाए। साथ ही साथ आपको वैल्यूएबल अपने फीडबैक देने हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है और ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है, कौन से सेंटेंस है जिनकी जरूरत आपको पड़ती है और जिसे आपको इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होती है, ताकि ढेर सारे वीडियो हम आपकी पसंद के लाते रहें और आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू।